सफल वो ही हुआ जिन्होंने समस्या को अपना मित्र बनाया, और महान वो ही हुआ जिन्होंने समस्या को आशीर्वाद समझकर अपने गले लगाया। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बगिया मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच स्वागत करता हूं आपका। और आज बात करूंगा जैक मा के बारे में, एक ऐसा व्यक्ति जो साधारण परिवार में जन्मा, एक ऐसा व्यक्ति जो स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में भी फेल हुआ, उसने हार्वर्ड में पढ़ाई करने के लिए 10 बार अप्लाई किया, 10 बार फेल हुआ। ऐसा व्यक्ति जिन्होंने केएफसी में अप्लाई किया वहां पर भी फेल हुआ, पुलिस में भी अप्लाई किया वहां पर भी फेल हुआ। इतने रिजेक्शन की कोई भी अगर साधारण व्यक्ति होता तो कभी भी जो वो डिप्रेस हो सकता था, पर ये तो असाधारण व्यक्ति थे। प्रॉब्लम एज वेल एज असफलताओं में से कैसे कुछ पॉजिटिव निकाला जाए, इसकी कला ये बखूबी जानते हैं। आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे जैक मा ने एक इंग्लिश टीचर से करोड़ों रुपए की कंपनी अलीबाबा शुरू की और आज 48.5 बिलियन US डॉलर की नेटवर्थ के साथ वो दुनिया के 21वें रईस आदमी है। पर उनसे पहले आपको थोड़ा सा ये बता देता हूं कि आज मार्केट में अलीबाबा की कौन कौन सी प्रोडक्ट्स एज वेल एज कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो अवेलेबल है। अगर हम बात करें अलीबाबा की प्रोडक्ट्स की, तो उसमें से कुछ ई कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, मोबाइल मीडिया, टीवी शोज, फिल्म्स, एंटरटेनमेंट, रिटेल आदि सर्विसेज जो है वो अलीबाबा की आज मार्केट के अंदर पूरे दुनिया में जो है वो अवेलेबल है। और अगर मैं बात करूं कंपनीज जो अलीबाबा ने आज खरीद ली है, तो उसमें से कुछ अलीबाबा.com, अलीबाबा क्लाउड, अली ओएस, अली पे, अली एक्सप्रेस, Taobao, Tmall, 1688.com, Deres, Lazada, ये सभी कंपनीज जो है वो अलीबाबा के नाम पर है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं जैक मा के बचपन से। तो 10 सितंबर 1964 को जैक मा का जन्म हुआ। उसकी माता वेंकाई एक फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइन में काम करती थी और उसके पिता मालिफा एक फोटोग्राफी एजेंसी में वहां पर फोटोग्राफर थे। अच्छा, जैक मा बचपन से ही उसको इंग्लिश लिटरेचर एज वेल इंग्लिश लैंग्वेज के प्रति बहुत प्यार था, और इसीलिए 9 साल की सिर्फ छोटी उम्र में ही उन्होंने कई सारे जो वहां के यूरोपियंस एज वेल अमेरिकन आते थे चाइना घूमने के लिए, उसको टूर गाइड करवाया था। बचपन से ही जैक मा ने टूर गाइड का जो काम था वो शुरू कर दिया था। अच्छा, इसके साथ साथ जैक मा जो है वो मार्शल आर्ट्स में भी माहिर थे, पर उसकी एक कमजोरी थी कि वो मैथ्स में कमजोर थे। अच्छा, चाइना में मान लीजिए किसी हाई स्कूल स्टूडेंट्स को हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए अप्लाई करना है, तो सबसे पहले उसको एक मेरिट बेस्ड नेशनल हायर एजुकेशनल एंट्रेंस एग्जाम जिसे गोकाओ बोलते हैं वहां पर वो पास करनी होती है। ये गोकाओ पास करने के बाद ही कोई भी हाई स्कूल स्टूडेंट जो है वो हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा, यहां पर गोकाओ में भी जैक मा ने अप्लाई किया, पर वहां पर भी पूरी तरह से फेल हो गए। उसके सारे सपने जो थे वो चकनाचूर हो गए। इसके बाद कैसे भी करके प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस करके, प्राइवेट कोचिंग क्लासेस करके, कैसे भी करके ये एंट्रेंस एग्जाम जो थी वो पास तो कर ली, पर असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद जैक मा ने नौकरी के लिए केएफसी में अप्लाई किया, और उसी वक्त जैक मा के साथ और 23 लोगों ने केएफसी में अप्लाई किया था और वो 23 के 23 सिलेक्ट हो गए। जैक मा एक ही थे जो रिजेक्ट हो गए। इसके बाद फिर से नौकरी के लिए जैक मा ने पुलिस में अप्लाई किया, पुलिस में भी उसके साथ और 4 लोगों ने अप्लाई किया था, चारों 4 सिलेक्ट हो गए। यहां पर भी जैक मा फिर से फेल हो गए। क्या आप लोग कभी ये सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में इतने रिजेक्शन आने के बाद उसकी मन की स्थिति जो थी वो क्या रही होगी, उसका टेम्परामेंट जो था वो क्या रहा होगा? दिमाग चकरा जाएगा मेरे दोस्त, एक्चुअली दिमाग चकरा जाएगा। किसी भी इंटरव्यू में 2-3 बार फेल होकर देखना, ये दिमाग जो है वो पूरी तरह से शून्य हो जाएगा। पर ये तो जैक मा थे, पीछे हट नहीं करने वाले थे, रिजेक्शन में से कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकालना वो अच्छी तरह से जानते थे। जब जैक मा का ये बुरा वक्त चल रहा था, तभी उसकी मुलाकात उसके फैमिली फ्रेंड केन मोरले से हुई, जिसको जैक मा अपना ऑस्ट्रेलियन फादर और अपना मेंटोर भी बोलते हैं। अच्छा, इस केन मोरले के कहने पर ही जैक मा ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में इंग्लिश लेक्चरर की जो जॉब थी वो शुरू कर दी। पर जब ये जैक मा वो इंग्लिश लेक्चरर की जॉब कर रहे थे, तभी उन्होंने वहां के जो लोकल मार्केट में चाइना के लोकल जो बिजनेसमैन थे उसकी एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो सभी बिजनेसमैन वहां के जो चाइना के लोकल कस्टमर्स थे वो ही उसको मिल रहे थे, उसको कोई इंटरनेशनल कस्टमर सभी बिजनेसमैन को नहीं मिल रहे थे, क्योंकि चाइना में जो इंग्लिश जो है वो इतनी पॉपुलर नहीं है। और जैक मा ने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि ये सभी जो लोकल बिजनेसमैन है वहां के चाइना के, उसको इंटरनेशनल कस्टमर दिलाने में मदद करूं। और इसके बाद 30 साल पूरा होने के पहले जैक मा ने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपनी खुद की पहली कंपनी खोलेगा जिसका नाम होगा होप। और अल्टीमेटली जनवरी 1994 में 29 साल के जैक मा ने अपनी पहली कंपनी होप ट्रांसलेशन एजेंसी जो थी वो खोली। अच्छा, ये होप ट्रांसलेशन एजेंसी का काम वहां के जो लोकल बिजनेसमैन होते थे
उसको इंटरनेशनल कस्टमर ढूंढने में मदद करने का था। अच्छा, इस वक्त इस होप ट्रांसलेशन एजेंसी में जेक मा ने सभी जो स्कूल के रिटायर्ड टीचर्स थे उसको ही एम्प्लॉय के लिए सिलेक्ट किया, क्योंकि कोई भी नया जेंसर्स, कोई भी नया आदमी जो था इस कंपनी में आने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि इस कंपनी का सभी लोगों को कोई भविष्य ही नहीं दिख रहा था, इसलिए कोई भी नया आदमी यहां पर आने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा, अभी तक जैकमा ने अपनी जो इंग्लिश लेक्चरर वाली जो जॉब जो थी वो छोड़ी नहीं थी, पर जैकमा को इतना पता चल गया था कि ये सिर्फ ट्रांसलेशन एजेंसी से उसका बड़ा बिजनेसमैन बनने का सपना जो है वो पूरा नहीं होगा। पर वो शाहरुख खान कहते हैं ना कि किसी भी चीज को अगर दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। जो जैकमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ काम के लिए उसको अमेरिका जाने का पहली बार जो है अपनी जिंदगी में मौका मिला। अच्छा, जब वो अमेरिका में थे तब पहली बार सिएटल जो अमेरिका का एक सिटी है वहां पर उसको पहली बार इंटरनेट पर लॉग इन करने का मौका मिला, और जब जैकमा ने इंटरनेट पर पहली बार लॉग इन किया तब उसकी बुद्धि चकरा गई कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद वहां पर कुछ काम निपटा के फिर से जैकमा चाइना तो रिटर्न आ गए, पर जिस दिन से उन्होंने वो सीएटेल में इंटरनेट पर लॉगिन किया था तब से उसके अंदर एक खलबली मची हुई थी। न जाने क्यों जैकमा को ऐसा ही लग रहा था कि ये इंटरनेट ही उसका फ्यूचर बदल सकता है। और उसी वक्त जैकमा के एक फ्रेंड स्टुअर्ट ने जैक की जो पहली होप ट्रांसलेशन एजेंसी कंपनी थी उसके लिए उसकी वेबसाइट डिजाइन करने में उसकी मदद की। अच्छा, उस वक्त सभी वेबसाइट के अंदर कोई भी फोटोज एड्रेस कोई भी पिक्चर्स नहीं लगते थे, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट ही लगते थे जहां पर आप अपना मोबाइल नंबर एड्रेस ईमेल एड्रेस जो है वो डाल सकते हैं। अच्छा, चमत्कार तो तब हुआ जिस दिन सुबह 9:40 को ये वेबसाइट जो थी वो लॉन्च की, और उसी दिन दोपहर 12:30 तक जैकमा को 5 ईमेल मिल चुके थे जिसमें से 3 यूएसए एक जर्मनी से एक जापान से था। ये 5 ईमेल देखकर जैकमा की बुद्धि जो थी वो पूरी तरह से चकरा गई, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इस इंटरनेट की वजह से उसको इंटरनेशनल कस्टमर मिल रहे हैं, फिर से वन मोर टाइम, इस इंटरनेट की वजह से उसको इंटरनेशनल जो है वो कस्टमर मिल रहे हैं। तभी जैकमा ने डिसाइड कर लिया कि अब उसका सपना सिर्फ और सिर्फ ये होप ट्रांसलेशन एजेंसी को चलाना है, एज वेल एज इंग्लिश लेक्चरर जो जॉब थी उसको ही कायम रखना नहीं है। अब उसका सपना एक सबसे बड़ा ऑनलाइन इंडेक्स खड़ा करने का है। और इसके बाद क्या था, जैकमा ने जो अपनी वो इंग्लिश लेक्चरर की जो जॉब थी उसमें से रिजाइन दे दिया और अपनी खुद की दूसरी नई कंपनी स्थापित की जिसका नाम था चाइना पेज। अच्छा, ये चाइना पेजेस खोलते वक्त जैक ने अपने एक फ्रेंड यिबिन जो को अपने साथ लिया, जो जैक के साथ ही उस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस टीचर था। अच्छा, यहां पर जैक की बुद्धि देखिए, उसको खुद को पता था कि वो खुद जो है कंप्यूटर में इतना माहिर नहीं है, एज वेल एज कंप्यूटर में इतना मास्टर नहीं है, इसलिए उसको किसी ऐसे व्यक्ति को साथ लेना होगा जो कंप्यूटर में बहुत बड़ी तरह से मास्टरी जिसने हासिल कर ली हो। इसलिए उसने अपने ये फ्रेंड यिबिन जो को अपने साथ लिया। कैसे भी करके ये चाइना पेजेस खोल तो दिया, पर उसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा फंड की जरूरत थी, नए ऑर्डर जो थे वो मिल नहीं रहे थे। पर फिर भी यहां पर जैकमा ने पीछे हट नहीं की, क्योंकि उसको पता है कि अभी जो इंटरनेट है पूरी तरह से चाइना में फैला हुआ नहीं है, पर 1-2-3-4 साल के बाद ये इंटरनेट जो है पूरी तरह से चाइना में फैल जाएगा, तब उसका बिजनेस चलेगा ही चलेगा। देखिए, यहां से पता चलता है कि जैकमा जो है वो पहले से ही लॉन्ग विजनरी है। उसको पता है कि आज इंटरनेट यहां पर फेमस नहीं है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि कल भी फेमस नहीं होगा। अगर आप भी अपना खुद का कोई भी बिजनेस चला रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो है वो लॉन्ग विजनरी बनना पड़ेगा। आपको भी अपने बिजनेस को 5-10-15-20 साल के बाद जो है वो पोर्ट्रेट करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि आपका बिजनेस 5-10-15 साल के बाद कहां होने वाला है। बहरहाल, फिर से चलते हैं जैकमा की स्टोरी पर। तो 1995 खत्म होते होते चाइना को इंटरनेट एज वेल एज टेलीकॉम का अटेंशन जो था वो मिलने लगा था, और पूरी दुनिया को धीरे धीरे ये पता लगने लगा था कि चाइना में इंटरनेट जो है वो फैल रहा है। और इसी न्यूज के कारण याहू ने 1996 में चाइना में एंट्री की, और 1999 में याहू के को-फाउंडर जेरी यंग उस वक्त किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में बीजिंग आए हुए थे। अच्छा, इस वक्त अभी भी जैकमा का ये जो चाइना पेजेस वाला बिजनेस जो था वो चल ही रहा था, और इसी ये 3 साल के दौरान जैकमा ने चाइना के मार्केट में जो अपनी इमेज थी वो काफी हद तक अच्छी भी कर ली थी। और इसका ही मौका जो था जैकमा को मिला ये जेरी यंग याहू के जो को-फाउंडर थे उसको चाइना का लोकल टूर करवाने का। इसके बाद क्या था, जैकमा तो ऐसे ही मौके की तलाश में थे। जब ये जेरी यंग को चाइना टूर करवाने के लिए ले गए तब जैकमा का चार्म जो था वो यहां पर काम आ गया, और जेरी यंग की एडवाइस की वजह से उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपनी तीसरी खुद की कंपनी स्थापेंगे जिसका नाम होगा अलीबाबा। कैसे भी करके ये अलीबाबा शुरू तो कर दी, पर अभी भी जैकमा की मुश्किलें जो थी वो कम होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि अभी तक लोग जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग को इतना प्रिफर नहीं कर रहे थे। उस वक्त इंटरनेट सिर्फ कंप्यूटर में ही चलता था, और कंप्यूटर की जो इनिशियल कॉस्ट होती थी वो बहुत हाई होती थी, सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और जो लोग इसको अफोर्ड कर पाते थे वो भी इंटरनेट में उतने जो है वो माहिर नहीं हुए थे, और इसलिए जैकमा की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पर यहां पर भी उसने
नीचे नहीं की। और जेटमा के जिंदगी में दूसरा माइलस्टोन तो तब आया जब एक जापानीज इन्वेस्टमेंट फर्म सॉफ्ट बैंक ने अलीबाबा में 20 मिलियन US डॉलर इन्वेस्ट करने का फैसला किया। इसके बाद तो याहू ने भी अलीबाबा के साथ मिलकर 1 बिलियन US डॉलर की डील की। और देखते ही देखते 2014 में अलीबाबा ने उस वक्त का हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ 25 बिलियन US डॉलर का, उस वक्त का सबसे बड़ा आईपीओ जो था वो निकाल दिया। और आज इतने सालों के बाद भी अलीबाबा एस एस जेकमा जो है वो उतनी ही दुगनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो यहां पर मैं कहना इतना ही चाहता हूं कि जेकमा ने कई बार असफलताओं का सामना किया, कई बार जो है उसे रिजेक्शन भी मिले, पर उन्होंने क्विट नहीं किया। इस तरीके के वीडियो बनाकर ना ही मैं चाइनीज लोगों या फिर चाइनीज पीपल का सपोर्ट कर रहा हूं, पर मैं तो आप लोगों को यही समझाना चाहता हूं कि अगर ये जेकमा जैसा व्यक्ति जो एक साधारण इंग्लिश टीचर था उसमें से उन्होंने इतनी बड़ी मिलियन बिलियन डॉलर की कंपनी अलीबाबा शुरू की, तो आप और मैं इस भारत में क्या कुछ नहीं कर सकते। अगर हम सब लोगों को हमारा बिजनेस जो है वो आगे ले जाना है तो हमें कुछ ना कुछ चाइनीज लोगों से, एज़ वेल एज़ चाइनीज बिजनेसमैन से कुछ ना कुछ जरूर सीखना होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि चाइना हमसे आगे है तो है। मैं यहाँ पर कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, जो हकीकत है वो आप सभी लोगों को भी पता है। वो कहते हैं ना, सीखना कहीं से भी मिले, दोस्त से या दुश्मन से सीख लेना चाहिए, ज्ञान कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। इसलिए चाइनीज लोगों में से, एज़ वेल एज़ चाइनीज बिजनेसमैन में से अगर हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर हमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिल रहा है और वो हमें आगे ले जाने में मदद कर, तो मुझे लगता है कि हमें सब लोगों में से कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। ये तो था जेकमा का अलीबाबा खोलने तक का सफर। अगर आप सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि अलीबाबा खोलने के बाद जेकमा ने किन-किन मुश्किलों का सामना किया, एज़ वेल एज़ अभी जो है अलीबाबा की कौन-कौन सी हायरिंग प्रोसीजर होती है, जेकमा किस तरीके से काम करते हैं, जेकमा के जीवन के 10 सूत्र जो आपको पर्सनल एज़ वेल एज़ प्रोफेशनल लाइफ में बहुत 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 काम आएंगे, तो उसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाने वाला हूं। आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा। इस लर्निंग पर यहां पर जो है वो इन्वेस्ट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैला दीजिए। मिलते हैं फिर से थोड़े ही दिनों में, तब तक के लिए आपका और आपका परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद।